हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 11। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु आपका क्या है? लिथियम। नेक्स्ट है, चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन, विटामिन बी। नेक्स्ट है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो क्या है? पोटेशियम की वजह से होती है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, यानी रक्त का अगर बहाव हो रहा है वहाँ फेरिक क्लोराइड अगर लगाया जाए तो रक्त का बहाव क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु होती है, तो सबसे हल्की धातु ऊपर अभी हम लोग देखे हैं और सबसे भारी क्या है? ओस्मियम। नेक्स्ट है, D2O का सामान्य नाम क्या है? तो D2O का सामान्य नाम भारी जल है जिसका अणुभार 20 होता है, 20 होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर्वती पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? नहीं, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा डार्विन ने। नेक्स्ट है, फोटोक्रोमिक कांच में क्या विवरित होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है, यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या है? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है उसको अगर गर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो क्या है वो? ऑक्सैलिक अम्ल। क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट है, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फ्यूज तार सीसा और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट, खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? तो क्या है? फॉलिक अम्ल। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गोइटर रोग का क्या कारण है? तो गोइटर जो रोग है वो शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, एपिकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपिकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। नेक्स्ट है, सेरिकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पादन। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो क्या होता है? आमाशय यानी कि छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो अनुवांशिक रोग है। और इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो क्या है? किण्वन क्रिया से ये प्रोसेस होते हैं। ओके, थैंक यू।